पूरा देख रहे हो, पूरा आसमान कितना बढ़िया हो रखा है। ये देखो इनका चर्च, पता चल जाता है वीडियो से देख के। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, वडक्कम, सलाम अलैकुम। कैसे हो आप लोग भाई? हम लोग हैं यहाँ स्पेन कार्थेगिना सिटी में। हम लोग ये 1900 साल पुराना सिनेमा हॉल बोलो इसको, ठीक है, उस टाइम लड़ाई का स्थल बोलो, उन लोगों का पर्यटन स्थल बोलो, वो है भाई ये, ठीक है। चलो आप लोगों को घुमाते हैं उधर। तो भाई टैक्सी आ गई, चलो टैक्सी में बैठे। तो 15 मिनट टैक्सी में चलने के बाद भाई हम लोग पहुंच गए यहाँ। हाँ तो भाई ये है वो अरीना टाइप्स का दिख रहा है ना, एक्चुअली ये फर्स्ट सेंचुरी का सिनेमा घर था, ठीक है, जो भी कार्यक्रम होते थे वहाँ पे होते थे, ठीक है। ये देखो पूरा ये फर्स्ट सेंचुरी का बना हुआ भाई। ये भाई सामने इसका गेट आ गया, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग अंदर, अब देखते हैं टिकट कहाँ मिलेगा। ये है भाई फर्स्ट सेंचुरी के पत्थर। How to go inside? We don't know. Same We're as. We're also looking. Yeah, we go round here. Oh shit, man. Okay, thank you. Some souvenirs. But finally, हमें gate मिल गया। यहाँ से। Hello. तो भाई लगभग 7 यूरो लग रहे हैं अंदर जाने के। Finally हमें gate मिल गया। लगभग 1 घंटा घूमने के बाद। Finally we got. ठीक है। तो भाई लगभग जो जो यहाँ पे लिखा हुआ यार मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। किस टाइम का होगा ये भत्ती साहब? उस टाइम का भाई कैमरा है, ठीक है। जहाँ हम सिनेमा घर में जाने वाले हैं उसका मॉडल बना रखा है भाई यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, एकदम मस्त सा। तो भाई ये उस टाइम के पत्थर, पहली शताब्दी के पूरा। चलो इनको टच करने का भी मौका मिल गया। अपने दो बंदे वहाँ छूट गए हैं तो वो लोग कुछ और शॉपिंग करेंगे। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग गेट पे, जिस गेट को ढूंढने में लगे 1 घंटे। ओ भाई क्या एंट्री बना रखा, देखो पत्थरों का एकदम मस्त, ठीक है। यहाँ देखो और क्या लाइटिंग कर रखी है भत्ती साहब, आ रहा मजा इसके अंदर। आज इनसे ठंडी आ रही है इसके अंदर, इसके अंदर ना अजीब सी ठंडी लग रही भाई, जबकि बाहर एकदम गर्मी है। ये पत्थरों के बीच बना हुआ भाई, ये है उस टाइम का सिनेमा घर, अब तो सब आर्टिफिशियल हो गया भाई। ये देखो ये है। और हम निकल गए सिनेमा हॉल के मेन अंदर जा रहे हैं हम लोग।
ये था उस टाइम का सिनेमा घर। ये देख रहे हो, पूरा सिनेमा घर उस टाइम का भाई। तो ठीक मेरे पीछे ये उस टाइम का 1900 साल पुराना सिनेमा घर, ठीक है। ये देखो पूरा पीछे अरीना जैसा है। उस टाइम जितने भी इन लोगों के कार्यक्रम होते थे, लड़ाई झगड़े जो भी है, यहीं इस अरीना में होते थे भाई, ठीक। इसके अंदर इसका गेट ढूंढने में हमें 1 घंटा लगा पूरा, ठीक है। पर पूरी चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और हम लोग वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर कार्यक्रम होता था, हम घूमते हैं पूरा, ठीक है। चारों तरफ घुमाते हैं आप लोगों को, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे 5000 लोग बैठते थे। ये पहली शताब्दी से भी पहले का है, ठीक है। ये सब इसको फिर 19वीं शताब्दी में इन लोगों ने रीबिल्ड किया, ठीक है, जहाँ जहाँ से ये ख़राब हो गया था। ये देखो ये गुफाएँ दिखेंगी आप लोगों को हर जगह से। यहाँ से भी बाहर का एंट्रेंस है, जो दरवाज़ा बंद कर रखा है उन लोगों ने। वन वे एंट्रेंस है यहाँ के लिए, वो है सीधा म्यूजियम से आगे। चलो मैं और भत्ती साहब चलते हैं नीचे, और हम लोग जा रहे हैं एग्जिट गेट की ओर, ठीक है। सो लगभग टैक्सी में चले, स्विफ्ट से निकले हम लोग, 10 मिनट का रास्ता था पैदल, उसके बाद 20 मिनट टैक्सी में लगे, ठीक है। और 20 मिनट टैक्सी के बाद हम लोगों को 1 घंटा लगा यहाँ का गेट ढूंढने में, ठीक है। 1 घंटे बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए इस 1900 साल पुराने पिक्चर हॉल में भाई। ऐसा था उस टाइम पिक्चर हॉल, देख लो, ठीक है। ये सब ये है वो जगह भाई जहाँ ये सब कुछ कार्यक्रम होता था। ये है सामने स्टेज, दिख रहा है। ये बड़े बड़े खंभे कुछ तो टूट गए हैं, कुछ रीबिल्ड कर रहे हैं, जैसे भी उन लोगों ने किया है। क्या जगह है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे होता था कुछ भी उन लोगों का कार्यक्रम, उन लोगों का जो भी उस टाइम का मूवी, जो भी समझ लो प्रोग्राम। और ठीक यहाँ सारे लोग बैठे रहते थे चारों तरफ, ठीक है। ये भी 1st शताब्दी में बना हुआ है, ठीक है। रोमन लोगों का बना हुआ है ये, ठीक है। ये है स्पेन में, स्पेन के कार्थेगिना सिटी में है, ठीक है। टेम्परेचर आज थोड़ा गर्मी है, लगभग होगा 24 डिग्री के आसपास, ठीक है। दिन में, शाम को तो एकदम मस्त ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अंदर आने के लिए म्यूजियम में 7 यूरो लगे हम लोगों को। टैक्सी का लगभग 20 यूरो के आसपास पड़ गया था, ठीक है। चलो घूमते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लोज सूट। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में यही है हिस्ट्री का। उस टाइम 5000 लोग बैठते थे ठीक मेरे पीछे, और तब कार्यक्रम देखते थे, ठीक है भाई। अभी जा रहे हम लोग इस गेट के अंदर, ठीक है। क्या मस्त जगह है भाई, बाद में बंद कर दिया तो वन वे कर दिया ना। साइड है, देखो दीवार है, ठीक है। उस टाइम की दीवारें उजड़ी है, इन लोगों ने रीबिल्ड किया है इसको, ठीक है। ये देखो, पता चल जाता है वीडियो से देख। तो उस टाइम जो फाइट करने आते थे ना, यहाँ से भी आते थे अचानक से सरप्राइज करने। यहाँ पे भी है सामने, उस टाइम जो फाइट करके आते थे। तो भाई 20 मिनट लगे हम लोगों को अंदर घूमने में, आ गए हम बाहर। शिफ्ट में भी जाना है वापस, ड्यूटी भी करनी होती है, ठीक है। चलते हैं, क्या है बच्चे साहब, भीड़ देख रहे हो आज? तो भाई आज भीड़ देख रहे हो मेरे पीछे, संडे है, वहाँ का रास्ता तो मिला नहीं। लग रहा है लगभग 2 बजे ये चर्च भी बंद हो गया है। तो भाई ये है गलियाँ, ठीक है, पुराने टाइप में। आप इन गलियों में घूम सकते हो। Hehehehe
ये देखो इनका चर्च। अरे क्या जगह है ना। और सामने एक कार खड़ी है कोई पुरानी सी। अरे वाह अबे यहाँ भी शादी में पटाखे फूटते हैं। हाँ। भाई यूरोप में भी शादी में पटाखे फूटते हैं। देखो अभी वहाँ उन्होंने पटाखे फूटे। चले This is the pizza girl. ये है यहाँ पे पिज्जा भाई। ये है इनका बहुत बड़ा चर्च। ठीक है ये भी ओल्डेस्ट चर्च है। ठीक है सामने फ्लैग लगे हुए हैं। मार्केट है, सैटरडे है ना भाई, आज तो संडे है। तो फुल इधर देखो फुल क्राउडेड है। रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। They recognize some areas of the Roman city because they know where was the cargo, where was the...